हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 8 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। आज हम इसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। जो ट्रांजिशन मेटल है यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक और आयनिक रेडियस किस तरीके से वेरी करते हैं, उनमें क्या ट्रेंड फॉलो करते हैं, ये हमें पढ़ना है। इन जनरल आयन्स ऑफ द सेम चार्ज इन ए गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास कोई सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज या 5D सीरीज। इन सीरीज में क्या होता है, जो सेम चार्ज के आयन होते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उनकी जो आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज होती चली जाती है। जैसे कि हमारे पास थर्ड सीरीज है स्कैंडियम। मान लीजिए स्कैंडियम के ऊपर चार्ज है 2+, यहाँ पर क्या है 2+। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+ चार्ज। तो ये हमारे 3D सीरीज में सेम चार्ज के आयन हैं। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा, तो इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। This is because the new electron enters a d orbital each time the nuclear charge increases by unity. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो यूनिटी के द्वारा बढ़ जाता है। यूनिटी का मतलब वो एक नंबर से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम स्कैंडियम से टाइटेनियम की तरफ जाएंगे। स्कैंडियम से टाइटेनियम की तरफ जाने पर आपको क्या दिखेगा, स्कैंडियम से टाइटेनियम की तरफ जाने पर एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा, एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर इससे एक ज्यादा है। तो जब एटॉमिक नंबर एक बढ़ रहा है तो इसमें क्या होगा, टाइटेनियम में एक प्रोटोन भी इंक्रीज होगा। टाइटेनियम में स्कैंडियम से एक प्रोटोन ज्यादा होगा। एक प्रोटॉन अगर टाइटेनियम में बढ़ गया है तो इसका मतलब टाइटेनियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो यूनिटी के द्वारा यानी एक के द्वारा इंक्रीज हो गया है। तो इसी तरीके से लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज यूनिटी के द्वारा यानी एक के द्वारा इंक्रीज होता चला जाएगा, और इसी न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने के कारण इनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। इट मे बी रिकॉल्ड दैट द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन इज नॉट दैट इफेक्टिव, हेंस द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एंड द आयनिक रेडियस डिक्रीजेज। अब इसमें एक टर्म आया शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं कि किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं, किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से अपने आप को बचाने के लिए, जो अपने आप को जब बचाते हैं या फिर कहें न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचने के लिए अपने आप की जो प्रोटेक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो कहलाती है उनकी शील्डिंग इफेक्ट। मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, ये न्यूक्लियस है और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस की फोर्स है, इस न्यूक्लियस की पुल से बचने के लिए एक दूसरे की जब प्रोटेक्शन करेंगे, एक दूसरे को जब शील्ड करेंगे, तो वो कहलाएगी हमारी शील्डिंग इफेक्ट। तो इसमें ये कहा गया है कि जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता। जब उनका शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता तो जो न्यूक्लियर चार्ज है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी जो हमारा न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा। देखिए कैसे, यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं, यह हमारा मान लीजिए न्यूक्लियस है, यह हो गई पहली सेल, यह दूसरी, ये हो गई हमारी तीसरी, और यहां पर मैं बना देता हूं ये 4s, इस तरीके से यहां पर हो गई हमारी। मान लीजिए हमारी 4s ऑर्बिटल है, इसमें हमारे दो इलेक्ट्रॉन हैं, और ये हमारी d ऑर्बिटल है 3d। मान लीजिए इसमें हमने d इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें हमने 3D ऑर्बिटल में मान लीजिए 4 या 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो होता क्या है, जो ये 3D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के फोर्स से, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से नहीं बचा पाते, इतना इफेक्टिवली नहीं बचा पाते। तो जब 3D इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है तो जो ये न्यूक्लियस है ये क्या करता है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं इन पर फोर्स लगाएगा। इन पर फोर्स लगाएगा तो ये इनको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो आयनिक रेडियस डिक्रीज होगी। और आपको पता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इसमें एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे ये और ज्यादा फोर्स लगानी स्टार्ट करेगा, इसलिए क्या होता है जो आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है।
द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व इन द एटोमिक रेडियाई ऑफ ए गिवन सीरीज। तो जैसा ट्रेंड ये हम आयनिक रेडियाई में पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से एक गिवन सीरीज की जो हम एटोमिक रेडियस अगर हम पढ़ेंगे तो एटोमिक रेडियस में भी यही ट्रेंड फॉलो होता है, एटोमिक रेडियस भी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज एटोमिक नंबर। हाउएवर द वेरिएशन विद द सीरीज इज क्वाइट स्मॉल। लेकिन अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस में जो वेरिएशन होता है सीरीज के अंदर वो आयनिक रेडियस के मुकाबले कम होता है, ये आपको याद रखना है। आयनिक रेडियस में सीरीज के अंदर वेरिएशन ज्यादा होगा, लेकिन इसमें जो एटॉमिक रेडियस है उसमें वेरिएशन कम होगा, लेकिन घटेगा ये भी। एन इंटरेस्टिंग पॉइंट इमर्जेस व्हेन एटॉमिक साइजेस ऑफ वन सीरीज आर कंपेयर्ड विद दोज ऑफ द करस्पोंडिंग एलिमेंट्स इन द अदर सीरीज। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, जब हम एक सीरीज के एटॉमिक साइजेस को दूसरी सीरीज के एटॉमिक साइजेस से कंपेयर करते हैं, यानी हमारे पास तीन सीरीज है, मान लीजिए 3D, 4D एंड 5D सीरीज। अगर हम क्या करें, 3D सीरीज के एटॉमिक साइजेस को 4D और 5D सीरीज के एटॉमिक साइजेस से कंपेयर करें, तो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकलता है। वो पॉइंट क्या है, द कर्व्स इन फिगर 8.3 शो एन इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट 3D टू सेकेंड 4D सीरीज ऑफ द एलिमेंट, बट द रेडियाई ऑफ द थर्ड 5D सीरीज आर वर्चुअली द सेम एज दोज ऑफ द करस्पोंडिंग मेंबर्स ऑफ द सेकेंड सीरीज। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब हम कर्व देखते हैं, एटॉमिक रेडियस का कर्व देखते हैं, तो उसमें हम ये पाते हैं कि 3D से 4D सीरीज का जो एटॉमिक रेडियस है वो तो ज्यादा है, यानी 3D सीरीज का एटॉमिक रेडियस कम है, 4D सीरीज का एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। 3D से जब हम 4D सीरीज पर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो 4D और 5D सीरीज है, जो 4D और 5D सीरीज है उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग दोनों का बराबर है। 3D से 4D में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, लेकिन 4D और 5D का जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग दोनों सीरीज का बराबर सा है। अब मैं आपको यहां पर कर्व दिखा देता हूं। तो अब आप यहां पर ये कर्व देख सकते हैं, इधर हमारी ये सीरीज दी गई है स्कैंडियम से जिंक तक और ये ट्रियम से कैडमियम तक, लैंथेनम से मरकरी तक। तो यहां पर हमारी रेड कलर से ये 5D सीरीज है, ये ब्लू कलर से हमारी 4D और ये ग्रीन कलर से हमारी 3D सीरीज दी गई है। इसी तरीके से अगर आप देखें यहां पर, ये हम देख सकते हैं इधर हमारा ये एक्स एक्सिस पर इनका रेडियस दिया गया है नैनोमीटर में। तो आप यहां पर देखें, ये हमारा लैंथेनम है, ये हमारा यहां से हमारा ये स्कैंडियम है, ये स्कैंडियम ग्रीन कलर से हमारी 3D सीरीज है। स्कैंडियम यहां पर ये हमारा टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक इस तरीके से दिए गए हैं। तो हम देखते हैं यहां तक कि जब हम स्कैंडियम से आयरन की तरफ आते हैं या कोबाल्ट की तरफ आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम इसके मिडिल में देखते हैं कि आयरन, कोबाल्ट और निकिल, इन तीनों का क्या है, इन तीनों का जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग बराबर सा है, यानी यहां से आयरन तक या फिर कोबाल्ट तक आने पर एटॉमिक रेडियस घटता चला जा रहा है और बीच में यहां पर लगभग थोड़ा बराबर सा होता चला जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं निकल से कॉपर, कॉपर से जिंक, यहां पर जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ रहा है। तो हम इसको तीन पार्ट में पढ़ेंगे, पहले यहां से स्कैंडियम से आयरन या कोबाल्ट तक एटॉमिक रेडियस बढ़ा, एटॉमिक रेडियस घटा यानी डिक्रीज हुआ। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इन तीनों का लगभग बराबर सा है। उसके बाद क्या हुआ, घटेगा तो इनका भी, क्योंकि जो आयरन का एटॉमिक रेडियस होता है वो दिया गया है 126 पिकोमीटर और इन दोनों का लगभग दिया गया है 125 पिकोमीटर। तो यहां पर ये थोड़ा बहुत घटा, लगभग इनका सेम सेम ही है। लेकिन निकिल से कॉपर, कॉपर से जिंक में जाने पर हम देखते हैं जो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो अब इनको हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर स्कैंडियम से आयरन तक एकदम से क्यों डिक्रीज हो रहा है, उसका कारण देखिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोटॉन में न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, और प्रोटॉन न्यूक्लियस में इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, हैंस जो हमारा जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव हम किसको कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर बढ़ा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़े, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़े तो हमारा जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो गया।
और आपको पता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसमें भरे जा रहे हैं, n-1d ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन्स हम किसमें भर रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है तो n-1d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो ये n-1d ऑर्बिटल होती है ये न्यूक्लियस के क्लोज होती है। ये क्या होती है, n-1d ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होगी। न्यूक्लियस के क्लोज होने के कारण यानी n-1d ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होने के कारण न्यूक्लियस इन n-1d ऑर्बिटल पर आसानी से अटैक कर पाता है। न्यूक्लियस n-1d ऑर्बिटल पर अगर आसानी से अटैक कर पाएगा तो क्या होगा, इनको अटैक करने से इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज होता चला जाता है। न्यूक्लियस के क्लोज हैं तो डिक्रीज शील्डिंग इफेक्ट, इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट घट रहा है तो न्यूक्लियस इन पर आसानी से अटैक कर पाएगा और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर ये अपनी तरफ न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट कर पा रहा है इन इलेक्ट्रॉन को, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहां पर ये हमारा मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिटल, ये दो ऑर्बिटल, ये 3d और ये हमारी हो गई 4s ऑर्बिटल। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन भी इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, और साथ साथ प्रोटॉन इसमें बढ़ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी यहां पर न्यूक्लियस में इंक्रीज होता चला जा रहा है। और हमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है और n-1d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि स्कैंडियम में क्या है, 3d1 4s2, इसी तरीके से टाइटेनियम में 3d2 4s2, इसी तरीके से वैनेडियम में 3d3 4s2, क्रोमियम में क्या होगा 3d5 4s1। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते चले जा रहे हैं, और जो डी ऑर्बिटल्स हैं n-1d ऑर्बिटल उनका शील्डिंग इफेक्ट क्या है, उनका शील्डिंग इफेक्ट होता है कम, यानी उनका शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है। तो जब इनका n-1d ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम है तो ये यहां पर जो 4s ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी क्या कर पाते हैं, इनकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाते क्योंकि n-1d ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम है। तो ये 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण जो ये न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचता चला जाएगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करता चला जाएगा और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहां तक तो आपने देखा एटॉमिक रेडियस एकदम से डिक्रीज हुई, लेकिन फेरस कोबाल्ट और निकिल, आयरन कोबाल्ट और निकिल पे ये एटॉमिक रेडियस इतनी ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रही, इसका कारण देखिए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी जो मिडिल वाले हमारे पॉइंट हैं, यानी फेरस कोबाल्ट और निकिल की। तो सीरीज के मिडिल में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग होने लगती है। जैसे कि आयरन, यहां तक तो क्या था, यहां तक क्रोमियम तक की अगर हम बात करें, क्रोमियम तक डी ऑर्बिटल में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर क्या थे डी ऑर्बिटल में, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, यानी n-1d जो हमारे पास सब शेल है इसके डी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी, स्कैंडियम में सिर्फ अकेला था, टाइटेनियम में फिर दूसरा इसमें आया, वैनेडियम में तीसरा, क्रोमियम में 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम आयरन पर चले जाते हैं, आयरन पर चले जाने के बाद क्या होता है, आयरन में क्या होता है 3d6 4s2। तो आयरन में जाने के बाद क्या होने लगता है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने लगती है। आयरन में एक बढ़ेगा, कोबाल्ट में यहां पर 3d7 होता है तो 2, निकल में यहां पर 3 हो जाएंगे। तो सीरीज के मिडिल में क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने लगती है। तो इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट यहां पर दिखाई देगा। तो जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहां पर स्टार्ट हो जाएगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, उसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। यानी यहां पर क्या था, यहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं थी n-1d ऑर्बिटल में, तो यहां पर जो न्यूक्लियर चार्ज था वो बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा था एकदम से फोर्स लगाने के कारण जैसे जैसे प्रोटॉन इसमें बढ़ा एकदम से फोर्स बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन सीरीज के मिडल में हम देखते क्या है, n-1d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होने लगती है, फेरस में एक पेयर,
कोबाल्ट में दो, निकल में तीन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होने लगती है। इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग स्टार्ट होगी तो उससे क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। उससे क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट यहां पर दिखाई देगा। यहां पर क्या देखा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है यहां पर हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाई दे रहा है। और यहां पर आप देखते हैं प्रोटॉन तो बढ़ ही रहा है तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हो पाता। एक बार फिर से बता देता हूं, आयरन कोबाल्ट और निकल में इलेक्ट्रॉन की डी ऑर्बिटल में N-1 डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने लगती है, जिससे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। और साथ ही साथ इससे यहां पर जाने पर और यहां से यहां पर जाने पर एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो इन तीनों के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेगी, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगी, कम करने की कोशिश करेगी, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस इतनी ज्यादा मात्रा में डिक्रीज नहीं हो पाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं आयरन कोबाल्ट और निकल के केस में इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हो पा रहा। और आप अगर कॉपर को भी देखें तो आयरन कोबाल्ट निकल और कॉपर इन चारों के केस में ही इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हो पा रहा, बल्कि कॉपर के केस में तो वो थोड़ा बढ़ भी रहा है। कॉपर के केस में थोड़ा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव कर लेता है, 4s इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, 4s के जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 3d में भर जाते हैं और डी ऑर्बिटल यहां पर फुली फिल हो जाती है। डी ऑर्बिटल यहां पर फुली फिल हो गई, इसके कारण उसका शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण यहां पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। और आप देखेंगे जिंक के केस में एटॉमिक रेडियस और बढ़ रहा है, क्योंकि जिंक में 3d10 भी भरी हुई है और 4s2 वो भी भरी हुई है। यहां पर क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके कारण जिंक के केस में भी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। तो आपने देखा यहां से स्कैंडियम से फेरस तक एकदम से डिक्रीज हुई, उसके बाद फेरस कोबाल्ट निकल कॉपर इन चारों के लगभग सेम सी है, कॉपर से जिंक तक फिर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। तो बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, एंड में, यानी एंड में जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज क्यों हो रहा है। एंड में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि डी ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो रहे हैं, जिसके कारण जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट वो भी बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा यानी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जो यहां पर जेड इफेक्टिव है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो एंड में ये वाला, एंड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरे गए, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसके कारण जो जेड इफेक्टिव है वो डिक्रीज हुआ, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हुआ तो एटॉमिक रेडियस थोड़ी इंक्रीज हुई, थोड़ी इंक्रीज होगी इन सब के केस में, इन सब के कंपैरिजन में यहां पर थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं यहां से, आप देख सकते हैं जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज से 4D सीरीज पर जाने पर क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, यानी 3D सीरीज की एटॉमिक रेडियस कम है, 4D सीरीज की एटॉमिक रेडियस यहां पर ज्यादा है। लेकिन 4D और 5D सीरीज की अगर हम कंपैरिजन करें तो 4D और 5D सीरीज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी जो 4D सीरीज है और 5D सीरीज है इन दोनों के जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग बराबर से ही है। आप देख सकते हैं ये हमारा यट्रियम है, ये हमारा लेंथेनम है, इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन अगर हम जिरकोनियम और हैफनियम की बात करें, जिरकोनियम और हैफनियम की, इन दोनों के जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग बराबर हैं। यहां पर ये हमारा यट्रियम, लेंथेनम, इन दोनों के एटॉमिक रेडियस में तो डिफरेंस है, लेकिन जब हम दूसरे की बात करेंगे, जिरकोनियम की और ये हमारा हैफनियम की, इन दोनों की जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों का जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग बराबर है। और आप आगे देखते चले जाएंगे इन दोनों का जो ग्राफ है वो लगभग सेम होता चला जाएगा, यानी 4D सीरीज और 5D सीरीज, इन दोनों की जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग बराबर होती चली जाएगी। इनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है, जिरकोनियम और हैफनियम का लगभग बराबर, नियोबियम और टेंटेलम का ये लगभग बराबर है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का ये लगभग बराबर है, यानी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर होते चले जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों? तो इसका कारण है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। इसका रीजन आप यहां पर समझिए। आप देखते हैं कि जो लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद हमारा क्या आ रहा है? हैफनियम।
यहाँ पर हैफनियम। आप देखते हैं कि जो लैंथेनम है उसमें कोई भी 4f ऑर्बिटल नहीं है। लैंथेनम का 57 होता है एटॉमिक नंबर, इसमें कोई भी 4f ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन अगर हम हैफनियम की बात करें, हैफनियम में क्या होता है, 4f ऑर्बिटल आ जाती है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं लैंथेनम का 57, हैफनियम का 72 होता है एटॉमिक नंबर। तो यहां पर लैंथेनम और हैफनियम के बीच में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, लैंथेनोइड एलिमेंट्स, वो यहां से निकाले गए हैं। तो यहां पर होता क्या है, लैंथेनम में कोई भी 4f ऑर्बिटल नहीं होती। जो हैफनियम है और इससे आगे वाले जो एलिमेंट है टेंटेलियम टंगस्टम, इनमें 4f ऑर्बिटल मौजूद होती है। इसी 4f ऑर्बिटल के कारण क्या होता है, यहां पर लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, यहां पर होगी हमारी ये 6s ऑर्बिटल सबसे आउटर मोस्ट, उसके नीचे होगी 5d और उसके नीचे होगी हमारी 4f ऑर्बिटल हैफनियम के केस में। ये हम किसके बात कर रहे हैं, HF की, हैफनियम के केस में। तो हैफनियम के केस में जो 4F ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए जाते हैं। 5D में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब यहां पर ये 4F ऑर्बिटल इंक्रीज हो गई, 4F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे गए, इसके कारण क्या होता है, जो ये न्यूक्लियस है ये इन 4F ऑर्बिटल को बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचता है। ये 4F ऑर्बिटल क्या है, इसके पास है न्यूक्लियस के, तो ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, इन 4F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाकर अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इनको अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगा। जबकि लैंथेनम के केस में कोई भी 4f ऑर्बिटल तो है नहीं, 4f ऑर्बिटल नहीं है तो यहां पर जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा नहीं हो पाता, जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो यहां पर जो ये इसकी एटॉमिक रेडियस है वो इतनी ज्यादा डिक्रीज नहीं होती। तो लैंथेनम के बाद जितने भी एलिमेंट है उनमें 4f ऑर्बिटल भरी जा रही है, 4f ऑर्बिटल भर रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस है यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को 4f इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाकर अपनी तरफ खींचेगा स्ट्रांग फोर्स से, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर ग्राफ में, देखिए लैंथेनम और ये यट्रियम और ये लैंथेनम, इन दोनों के बीच में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है इनके एटॉमिक रेडियस में। लेकिन अगर हम जिरकोनियम और हैफनियम की बात करें तो इन दोनों का बराबर है। तो यहां पर हैफनियम का कम क्यों हुआ, हैफनियम का एटॉमिक रेडियस कम क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 4f ऑर्बिटल मौजूद है, यहां पर लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट यहां पर दिखाई देता है। किसके कारण, इस 4f ऑर्बिटल के कारण, 4f ऑर्बिटल यहां पर भरी हुई है जिसके कारण न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी यानी सिकुड़ जाएगी और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिक्रीज होता चला जा रहा है, उसके बाद लास्ट में थोड़ा बढ़ेगा। क्योंकि लास्ट में क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 5d ऑर्बिटल में पेयरिंग बढ़ती चली जा रही है, इसके कारण थोड़ा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। तो आपने देखा 4d और 5d सीरीज का एटॉमिक रेडियस बराबर क्यों, 4f ऑर्बिटल के कारण, क्योंकि जो हमारी 5d सीरीज है उसमें 4f ऑर्बिटल इंक्लूड हो रही है जिसके कारण इसमें लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप एटॉमिक रेडियस की वैल्यू देख सकते हैं 3d सीरीज में, यहां पर 164 ये घट रही है, घटने के बाद ये आयरन कोबाल्ट निकल तक घटती है, उसके बाद कॉपर और जिंक में थोड़ी बढ़ती है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पेयरिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल्स में, इसके कारण थोड़ी बढ़ रही है। तो हमने पढ़ा 5d सीरीज की क्यों है कम, दिस फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद द इंटरवेंशन ऑफ द 4f ऑर्बिटल विच मस्ट बी फिल बिफोर द 5d सीरीज ऑफ द एलिमेंट बिगिन। ये इसलिए दिखाई दे रहा है 5d सीरीज का जो एटॉमिक रेडियस है वो कम इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें 4f ऑर्बिटल इंक्लूड हो जाती है, 4f ऑर्बिटल को 5d सीरीज से पहले भरना पड़ता है। 4f ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन 5d सीरीज से पहले भरते हैं, इसके कारण इस पर न्यूक्लियस की फोर्स ज्यादा लगती है जिसके कारण एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। द फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d ऑर्बिटल रिजल्ट इन ए रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस कॉल्ड लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। तो जब हम 4f ऑर्बिटल को 5d ऑर्बिटल से पहले भरते हैं इसके कारण एटॉमिक रेडियस एकदम से डिक्रीज होता है जिसको हम कहते हैं लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हिच एसेंशियली कंपनसेट फॉर द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर। तो नेचुरली क्या होना चाहिए था, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इसका डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करें, डाउन द ग्रुप में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट के कारण नहीं बढ़ पाता। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप की, अलोंग द पीरियड की नहीं बात कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं
ये हम क्या कर रहे हैं, टाइटेनियम, टाइटेनियम से जिरकोनियम, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप। जिरकोनियम से हैफनियम, एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए था क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन जिरकोनियम और हैफनियम का लगभग बराबर होता है, बढ़ता क्यों नहीं, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट के कारण। द नेट रिजल्ट ऑफ द लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट द सेकंड एंड द थर्ड डी सीरीज एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई, जिरकोनियम 160 पीएम, एचएफ 159 पीएम। तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट के कारण क्या होता है, जो हमारी ये 4D सीरीज है और 5D सीरीज है, यानी सेकंड और थर्ड सीरीज है, उनमें क्या हो रहा है, उन दोनों की रेडियस लगभग बराबर है, जैसे कि जिरकोनियम की 160 पीएम और हैफनियम की 159 पीएम, बराबर क्यों, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। एंड हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मच मोर देन द एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल फैमिली रिलेशनशिप, और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सिमिलर होती है। द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज समवॉट सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज एंड इज एट्रीब्यूटेड टू सिमिलर कॉज, दैट इज द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो जो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके लिए क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, वो इसमें बताया गया है। तो जैसे ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज होती है, उसमें क्या होता है, उसमें एक ही शेल के जो ऑर्बिटल हैं या सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल हैं जिनको हम कहेंगे, उनमें क्या देखी जाती है, उनमें इम्परफेक्ट शील्डिंग देखी जाती है, यानी ये जो एक ऑर्बिटल के या सेम सेल के जो ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाते हैं, न्यूक्लियस के इफेक्ट से नहीं बचा पाते। इसी प्रकार से जो हमारी 5D सीरीज है, 5D सीरीज में जो 4F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे को क्या कर पाते हैं, न्यूक्लियस के इफेक्ट से नहीं बचा पाते। यानी जैसे नॉर्मली क्या देखी जाती है, इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट देखा जाता है जो ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज होती है, इसी तरीके से जो 5D हमारी सीरीज है उसमें भी क्या है, 5D सीरीज में 4F ऑर्बिटल में, 5D सीरीज में 4F ऑर्बिटल में भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट देखा जाता है, इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट देखा जाता है, जिसके कारण जो 4F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे को नहीं बचा पाते, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस घट जाती है और लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट हमें दिखाई देता है। However, the shielding of 1F4F electron by another is less than that of 1D electron by another. And as the nuclear charge increases along the series, there is fairly regular decrease in the size of the entirely 4F orbital. लेकिन हम देखेंगे जो 5D सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक रेडियस एकदम से डिक्रीज हो रहा है। एकदम से क्यों डिक्रीज हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो 4F इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो D इलेक्ट्रॉन के शील्डिंग इफेक्ट से बहुत ही कम होता है। D इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जो 4F इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट होता है वो D इलेक्ट्रॉन के शील्डिंग इफेक्ट से भी कम होता है। अब 4F इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट कम है तो क्या होगा, न्यूक्लियस इन पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, न्यूक्लियस इन पर ज्यादा फोर्स लगाएगा तो इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो ज्यादा डिक्रीज होगा। तो जो 5D सीरीज का एटॉमिक रेडियस ज्यादा डिक्रीज क्यों हो रहा है, उसका कारण आपको मैंने बता दिया, क्योंकि 4F इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम है D इलेक्ट्रॉन के शील्डिंग इफेक्ट से। और आपको पता है 5D सीरीज में 4F ऑर्बिटल मौजूद है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन 5D और 6S ऑर्बिटल से पहले भरे जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन पहले भरे गए शील्डिंग इफेक्ट भी कम, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना ही है क्योंकि न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा इनको, और जब ज्यादा न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा सीरीज के अलोंग, यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर जैसे जैसे इसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा एटॉमिक रेडियस एकदम से डिक्रीज होता चला जाएगा। बाद में थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है, इसका कारण मैं आपको बता चुका, क्योंकि बाद में क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम भर जाते हैं, डी ऑर्बिटल मैक्सिमम भर जाते हैं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दिखाई देता है, जिसके कारण जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो जेड इफेक्टिव को थोड़ा बहुत कम कर देता है, जिसके कारण यहां पर क्या बढ़ जाता है, यहां पर एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। तो इसको हमने तीन पार्ट में बढ़ा, एकदम से डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कम होता है और जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाता है तो यहां पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस घटता चला जाएगा। फिर बाद में थोड़ा स्टेबल सा हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे घट रहा है,
वो क्यों? क्योंकि बाद में क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल है उनमें पेयरिंग होने लगती है इलेक्ट्रॉन की। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉनिक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन थोड़ा बहुत बढ़ेगा, जिसके कारण यहां पर एटॉमिक रेडियस एकदम से डिक्रीज नहीं होता। फिर बाद में एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। एटॉमिक रेडियस बाद में क्यों बढ़ता है? क्योंकि डी ऑर्बिटल मैक्सिमम फिल हो जाते हैं। डी ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं? मैक्सिमम फिल हो जाते हैं, पूरे के पूरे भर जाते हैं। मैक्सिमम फिलिंग यहां पर हो गई, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहां पर बढ़ेगा, जिसके कारण जेड इफेक्टिव को थोड़ा बहुत ये कम कर देगा, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस यहां पर बढ़ जाएगा। तो बहुत ही आसान है यहां पर याद रखना। अब बात करते हैं हम डेंसिटी की। डेंसिटी को हम पढ़ लेते हैं। द डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियस कपल्ड विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्ट इन ए जनरल इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट। तो जैसे जैसे मेटेलिक रेडियस डिक्रीज होता है और एटॉमिक मास बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ेगा तो यहां पर ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने से एटॉमिक जो मेटेलिक रेडियस है वो डिक्रीज होगी, इसके कारण डेंसिटी एलिमेंट की इंक्रीज हो जाती है। बता देता हूं मैं आपको, यहां पर देखिए डेंसिटी क्या होती है, यहां से अलग से मैं आपको यहां पर बता देता हूं। डेंसिटी होती है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इससे हमें क्या पता चला, जो डेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। यानी मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी घटेगी। तो अगर हम बात करें 3D सीरीज में, 3D सीरीज में स्कैंडियम से कॉपर तक, 3D सीरीज में स्कैंडियम से कॉपर तक क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, और एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो एटॉमिक मास बढ़ेगा, एटॉमिक मास भी इंक्रीज हो रहा है। स्कैंडियम से कॉपर तक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। और आपको पता है अगर रेडियस डिक्रीज होती है, रेडियस अगर डिक्रीज होती है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होती चली जाती है। अगर मान लीजिए हमारे पास सर्कल है, इसका रेडियस कम है, ये वाला सर्कल है इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम किसकी ज्यादा होगी, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो रेडियस अगर घटा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम भी घट गई। तो देखिए स्कैंडियम से कॉपर तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी। कॉपर की हल्की सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है लेकिन थोड़ी बराबर ही होती है आयरन और कोबाल्ट के, उसमें सिर्फ एक पिकोमीटर का ही फर्क है, तो ज्यादा इंक्रीज नहीं होती। ये जो कॉपर की एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, थोड़ी सी बढ़ रही है, उसको क्या कर देता है, एटॉमिक मास उसको कंपनसेट कर देता है, क्योंकि एटॉमिक मास भी तो बढ़ रहा है और मास ज्यादा फैक्टर है, ज्यादा बड़ा फैक्टर है। तो आप यहां पर देख सकते हैं स्कैंडियम से कॉपर तक एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी, दूसरा स्कैंडियम से कॉपर तक एटॉमिक रेडियस घट रहा है यानी वॉल्यूम घट रही है, वॉल्यूम घट रही है तब भी डेंसिटी बढ़ेगी। तो सिंपल से स्कैंडियम से कॉपर तक क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज हुई, क्योंकि दोनों ही फैक्टर क्या कर रहे हैं, डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। मास भी बढ़ रहा है तब भी डेंसिटी बढ़ रही है, वॉल्यूम घट रही है तब भी डेंसिटी बढ़ रही है, तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, डेंसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। अब आप कह सकते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है यहां पर वो थोड़ा सा कॉपर का बढ़ रहा है, तो अगर एटॉमिक रेडियस कॉपर का बढ़ रहा है तो वॉल्यूम थोड़ी सी हल्की सी इंक्रीज होगी, लेकिन जो कॉपर का एटॉमिक मास वो भी तो बढ़ रहा है, और जो एटॉमिक मास है वो डेंसिटी को बढ़ाने में ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये जो एटॉमिक मास बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तो ये जो एटॉमिक मास है ये वॉल्यूम के बढ़ने को थोड़ा क्या कर देता है, वॉल्यूम के बढ़ने के इफेक्ट को कम कर देता है, नेग्लिजिबल कर देता है, जिसके कारण कॉपर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है ना कि डिक्रीज। तो कॉपर का केस आपको पता लग गया। अब यहां तक हमने कॉपर की बात करी, बात करते हैं अब जिंक की। जिंक भी तो हमारे पास बचा है, तो जिंक के केस में होता क्या है, यहां पर एटॉमिक मास तो बढ़ता ही है, एटॉमिक मास तो इंक्रीज होता ही है, लेकिन जिंक की जो एटॉमिक रेडियस है वो भी काफी इंक्रीज हो जाती है। आप देख सकते हैं वो यहां पर 128 और 137 में काफी फर्क है, 9 का फर्क है। तो कॉपर से जिंक में जो एटॉमिक रेडियस है वो थोड़ी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो आपको पता है वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। तो इस जिंक के केस में जो एटॉमिक मास है वो वॉल्यूम के इंक्रीज होने को इतना ज्यादा क्या कर पाता, नेग्लिजिबल नहीं कर पाता, तो यहां पर जो डेंसिटी है वो थोड़ी कॉपर से डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है ये फैक्ट। यहां पर क्या होगा, कॉपर के केस में तो
सिर्फ क्या हो रहा था, 3 पिकोमीटर ही बढ़ रहा था। तो यहां पर एटॉमिक मास कॉपर को क्या कर रहा था, इसके इफेक्ट को कम कर रहा था, कॉपर में एटॉमिक रेडियस के इफेक्ट को कम कर रहा था। लेकिन जिंक के केस में जो एटॉमिक रेडियस है वो काफी बढ़ती है, तो वॉल्यूम भी उससे काफी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी थोड़ी, यानी यहां पर एटॉमिक मास जो बढ़ रहा है वो वॉल्यूम के इफेक्ट को इतना ज्यादा कम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जिंक की डेंसिटी कॉपर से कम होगी, ये आपको याद रखना है। आप यहां पर देख सकते हैं डेंसिटी, डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, ये बढ़ती गई कॉपर तक बढ़ी, कॉपर तक के बाद जिंक में घट गई, जिंक में घट गई क्यों, क्योंकि जिंक का जो एटॉमिक रेडियस है वो थोड़ा ज्यादा होता है, एकदम से बढ़ता है, एकदम से बढ़ता है तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी। दस फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द डेंसिटी मे बी नोटेड, तो टाइटेनियम से कॉपर से या स्कैंडियम से कॉपर तक जो हमारी डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है, बाद में जिंक की थोड़ी कम हो जाती है। अब देखिए यहां पर हमारा एग्जाम्पल भी दिया गया है 8.2, ये भी पढ़ लेते हैं। व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होती है, वो क्यों होगी, क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटोमिक इंटरेक्शन एंड हैज स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग बिटवीन एटम रिजल्टिंग इन हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया था, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा मेटलिक बॉन्डिंग होगी और उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी। तो आपको पता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनमें ज्यादा होते हैं, जिसके कारण उनमें मेटलिक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, मेटलिक बॉन्डिंग उनमें अगर स्ट्रांग होगी तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी हायर होगी। तो ये इसका उत्तर है।